करेंगे सर। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा सर, आप कहाँ से हो? बावरला शहर, अभी अच्छा, मार्केट में दुकान। अच्छा, मार्केट में दुकान है। आप व्यापारी हो? जी। अच्छा, साचौर में अनाज मंडी में कितने सालों से आप व्यापार कर रहे हो? मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, 20 साल से कर रहे हो, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको। जी। अच्छा, पहले में अब में क्या फ़र्क है किसानों में? नहीं, किसानों में बदलाव है, मगर क्या है कि जब तक मार्केट में ऑक्शन का नहीं होता है तब तक ये मंडी कामयाब नहीं है, और माल भी जितना अनुपात में यहाँ पकड़ना चाहिए साचौर का, उसके हिसाब से 5% भी माल यहाँ आ रहा है, बाकी 95% गुजरात की मंडियों में जा रहा है। अच्छा, अगर गुजरात की मंडियों में जा रहा है, क्या कारण है उसका? मेन कारण है यहाँ कृषि मंडी ज़्यादा है, वहाँ 40% शेष लगती है कृषि उपज मंडी का, और हमारे यहाँ पे हैं वो 1 रुपया सैकड़ा है, तो उससे क्या है कि थोड़ा काश्तकार को ज़्यादा लगता है, इसकी वजह से माल कम आ रहा है। अच्छा, तो यही माल अगर इसकी आवक है वो ज़्यादा बढ़ाई जाए तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? उसके लिए क्या है कि पहले तो राजस्थान सरकार से हमने कई बार कोशिश भी की है और अभी भी है, अगर गुजरात की मंडियों के अनुरूप कृषि मंडी टैक्स हो जावे तो यहाँ राजस्थान में GST का है वो अरबों रुपए का फायदा हो जावे, और जितना माल ये बाहर जा रहा है गुजरात में, बिल्कुल मेरे समझ से 80% माल जाना रुक जाएगा, सिर्फ है वो कृषि मंडी टैक्स यहाँ ज़्यादा होना है राजस्थान की, उसकी वजह से माल टोटल गुजरात जा रहा है। अच्छा, यानी कि आपका साफ साफ कहना है राजस्थान में जो कृषि मंडी का जो टैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, जैसा गुजरात का टैक्स है वैसा ही राजस्थान का होना चाहिए। हाँ, वैसा अगर टैक्स हो जाए तो मेरा मानना है इससे 95% माल की यहाँ आवक बढ़ जाएगी, और GST है वो 100% आ जाएगी। आज क्या है कि टोटल काश्तकार लेके गुजरात में माल ले जा रहे हैं, तो हम भी काश्तकारों को प्रेरित करके यहाँ लावे तो राजस्थान सरकार को GST में बहुत अच्छा मुनाफा होगा। अच्छा, और बहुत सारी रॉयल्टी, और उसके लिए हम ये अनाज मंडी अगर चाहे सरकार एग्जांपल महीने के तौर पे, तो हम उनको धरोहर राशि जमा कराने के लिए तैयार है कि आपका टारगेट है GST का हम पूरा करके देंगे। अच्छा, और राजस्थान सरकार को भी फायदा होगा, बिल्कुल, मगर सबसे बड़ी अड़चन है वो कृषि उपज मंडी की टैक्स ज्यादा होने की वजह से। अच्छा, क्योंकि हम ज्यादातर काश्तकार को कह नहीं सकते। अब जब काश्तकार को नहीं कहेगा तो यहाँ आएगा भी नहीं, और आज क्या है कि कंपटीशन का युग है, क्योंकि किराया नैनावा और पीलूड़ा थराद वहाँ का सब जहाँ पार जाता है वो किराया एक है, उसकी वजह से माल सब वहाँ जा रहा है। अगर वही ये कृषि मंडी टैक्स हमारे सबसे बड़ी समस्या ही है, कृषि मंडी टैक्स खत्म हो जावे या फिर गुजरात के अनुरूप 40% सैकड़ा हो जावे, बिल्कुल, तो यहाँ बहुत अच्छी आवक होगी और GST को राजस्थान सरकार को बहुत बड़ा फायदा होगा, बिल्कुल, ये मेरा मानना निजी। बिल्कुल, सरकार को इस बात को लेके काफ़ी अच्छा कदम उठाना चाहिए कि जिस प्रकार से गुजरात के अंदर जैसा जो टैक्स है कृषि मंडी के अंदर वही टैक्स राजस्थान में लागू हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान है राजस्थान के किसान राजस्थान के अंदर ही अपना है जो माल बेचे, और उसे किसान को भी अच्छा फायदा होगा, किसान के साथ साथ में सरकार का भी एक अच्छा टैक्स का बेनिफिट होगा, GST का अच्छा बेनिफिट होगा। सर, आपका किसान के प्रति और क्या संदेश है? मेरा किसान के प्रति यही है कि जब तक अपन किसान को जागरूक नहीं करेंगे तब तक क्या है कि लोग यहाँ नहीं आएंगे, बिल्कुल ठीक है। आज की तारीख में ये मीडिया का युग है जी। तो हर मंडियों का पूरा थ्रोट हिंदुस्तान की मंडियों का भाव तो 1 सेकंड में लोगों को पता चल जाता है जी। और खुली मार्केट है जी। इसके हिसाब से सबसे मेन समस्या यही है, ये समस्या अगर खत्म हो जावे तो मेरा मानना है यहाँ के किसान भी खुशहाल हो जावे। आज क्या है कि महंगाई बहुत है, यहाँ से काश्तकार अगर खुद का व्हीकल लेके जाता है जब तो ठीक है, नहीं तो 100 रुपये बोरी काश्तकार से ये टोले वाले वसूल कर रहे हैं, जबकि वो साचौर मंडी में आवे तो 20-25 रुपये में आ जावे, बिल्कुल, और कम से कम 50 किलोमीटर के एरिए का काश्तकार है वो ट्रैक्टर में लेके आवे तो उसको 5 रुपये बोरी किराया लगेगा जी। और अन्यथा अगर गुजरात मंडियों में ज्यादा पिकअप टोलों माल जा रहा है वहाँ काश्तकारों से 100 रुपये वसूल, तो जीरे जैसी चीज़ में 2 रुपये किलो काश्तकार को ज़्यादा मतलब कीमत, हाँ ज़्यादा बेनिफिट पड़ेगा। अच्छा, और उसका पैसा कम आएगा। सर, एक पॉइंट है, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि नैनावा से चल के वापस किसान गाड़ी लेके यहाँ पे आए, क्या कारण रहा? बस कारण तो क्या है कि माल ज़्यादा जाएगा, अगर माल ज़्यादा जाएगा तो भाव कम मिलेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ तो है नहीं आवक। अच्छा, अब नहीं अभी है। आज का जो जीरे का भाव है यहाँ पे 200 से 240 के आसपास है? नहीं, 240 नहीं, आज हाईएस्ट 225 का भाव है, 25-30 का। अच्छा, अभी लगभग वहाँ का क्या भाव है आपको तो लाइव इसका? हाँ, उसका वहाँ 215 रुपये 15-20 से ऊपर काश्तकार को गुजरात में नहीं मिल रहा है। अच्छा,
आज की बात करें तो यहाँ पे 225 हाईएस्ट जो भाव है जीरे के, और वही वहाँ पे 210-215 के आसपास है। किसान आपको भ्रमित नहीं होना है, 10-20 बोरी के लिए आप वहाँ जाते हो, पूरा दिन वहाँ पे बिताते हो और रस्ते में रहते हो, और वहाँ पे किराया भी आपका लगता है लगभग 2-4-5 हज़ार तो लगता ही होगा। आराम से अच्छा, वो आपका किराया भी बच जाएगा। कम से कम 40 से 50 बोरी टोले में भर के जाते हैं, उसको 5,000 रुपये काश्तकार को देना पड़ता है। अच्छा। और जबकि अगर वो काश्तकार का ट्रैक्टर से यहाँ लावे तो उसका 5 लीटर डीजल देने ज़्यादा से ज़्यादा 500-700 का ही खर्चा है। बिल्कुल। तो और दूसरे में यहाँ सरकारी योजना भी है, अगर काश्तकार यहाँ माल बेचता है अच्छा, तो काश्तकार को अच्छा बेनिफिट भी है, उसका बीमा में भी फायदा होता है, और लॉटरी निकलती है। अब लॉटरी में अगर काश्तकार की लॉटरी निकल जाती है तो काश्तकार का 2-4-5 लाख की जो स्कीम होती है गवर्नमेंट की, वो भी उस काश्तकार को मिलती है, तो फायदे तो बहुत है जी। तो मगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि कृषि मंडी टैक्स गुजरात के अनुरूप नहीं होगा तब तक ये बीमारी का समाधान नहीं है जी। इन्होंने अपनी जो बात है वो बताई है, इस बात को एक सोच समझ के सरकार को कदम उठाना चाहिए, और जिससे अपने राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मंडी में ग्रोथ आए, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बेनिफिट मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोग आए और ट्रैफिक का मामला रहे। और किसान भाइयों, आपके लिए हमने जो बात बताई है, यहाँ का भाव और गुजरात का भाव लगभग 10-15 रुपये अगर बात करें तो यहाँ पे किलो के पीछे भाव ज़्यादा ही होगा जीरे की बात कर रहा हूँ तो, और बाकी अनाज के अंदर तो लगभग दो चार रुपये का डिफरेंट रहता है। लेकिन आप जिस प्रकार से आपको जो दिमागी आपका जो कंडीशन रहती है कि वहाँ पे भाव ज्यादा है यहाँ पे भाव कम है, वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ कृषि मंडी टैक्स। अच्छा, कृषि मंडी जो टैक्स है, टैक्स है वो यहाँ ज्यादा है, और वहाँ है 40 पैसा सैकड़ा और यहाँ है 1 रुपया सैकड़ा। अच्छा, तो काफी डिफरेंट है इस टैक्स में। 60% अच्छा, 60% टैक्स का डिफरेंट है, और उसकी वजह से इनको काफी खामियां जो वो भुगतना पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बने रहे, एक और वीडियो आपके सामने आएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।